हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक फ़न DIY एक्टिविटी शेयर करने वाली हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है एंड आई होप यू गोना लाइक इट। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये बहुत सारे एम्प्टी बॉक्सेस पड़े हुए थे जो कि काफ़ी स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग हैं। दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू थ्रो देम एंड आई थॉट ऑफ यूजिंग देम फॉर दिस DIY। सबसे पहले मैं इनकी ओपन साइड्स काट लूँगी। मैंने ये एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स भी लिया है और सबसे पहले मैं इस कार्डबोर्ड की ओपन साइड्स भी काट दूँगी। अब मैं इस बड़े बॉक्स को काट कर ओपन कर रही हूँ, जिससे कि इसे डेकोरेटिव पेपर से कवर करना ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये छोटा वाला बॉक्स बड़े वाले बॉक्स से अभी काफ़ी छोटा है, इसलिए मैं इसे छोटे बॉक्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काट रही हूँ। अब मैं सारे बॉक्सेस को एक बार अरेंज करके देख रही हूँ टू बी श्योर अबाउट दी मेजरमेंट्स। एज़ यू कैन सी कि ऊपर वाला बॉक्स इसके अंदर फिट नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं ऊपर वाले दोनों बॉक्सेस को इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा काट दूँगी। इन सभी बॉक्सेस के बेस के अंदर मैं एक कार्डबोर्ड का पीस डाल रही हूँ टू मेक इट मोर स्टर्डी। अब इन सभी बॉक्सेस की एक साइड से एक छोटा सा पीस काट लें, जिससे कि इसे हैंडल की तरह यूज़ किया जा सके। अब मैं इस बड़े बॉक्स के अंदर की चारों साइड्स इस पेपर से कवर कर दूंगी एंड नाउ दैट द बॉक्स इज़ कवर्ड फ्रॉम द इनसाइड आई एम गोना टेप इट बैक अगेन। अब मैंने इस बॉक्स के बेस के साइज़ का ये कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसे मैंने इस गोल्डन एडहेसिव वाइनल से कवर कर दिया है और इसे इस बॉक्स के अंदर डाल दें फॉर अ बेटर एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब मैं इस बॉक्स की चारों साइड्स को भी इसी गोल्डन एडहेसिव वाइनल से कवर कर दूंगी। जब भी आप कोई भी DIY बनाएं तो डोंट थिंक टू मच कि वो कैसा बनेगा, जस्ट मेक इट अ फन प्रोजेक्ट। इट डजंट मैटर कि आपसे परफेक्ट बनेगा या नहीं, जस्ट गिव इट अ गो एंड ट्रस्ट मी इट विल टर्न आउट गुड। एंड ऑल्सो इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली द सेम दैट यू आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब। जैसे कि इस DIY में आपके पास अगर छोटे बॉक्सेस हैं या इनफ मटेरियल नहीं भी है, तो भी आप उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से भी ये DIY बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरे पास गोल्डन वाइनल इनफ नहीं है, तो बॉक्स की बैक साइड को मैं इस कलर्ड पेपर से कवर कर रही हूँ एंड इट स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल। जस्ट मेक श्योर कि ये आपके बाकी के डेकोरेटिव पेपर के साथ मैच हो। अब मैं इन बॉक्सेस को भी अंदर से इस कलर्ड पेपर से कवर कर रही हूँ। जब भी कोई DIY बनाए तो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, जिससे कि वो एक फ़न प्रोजेक्ट बन जाए। एंड ट्रस्ट मी यू गोना एंजॉय इट इवन मोर इफ़ यू विल डू इट विद योर फैमिली। जैसे कि यहाँ माय लिटिल वन इज़ हेल्पिंग विद ग्लूइंग एंड माय ओल्डर वन इज़ हेल्पिंग मी इन कटिंग। चाहे बच्चे अच्छे से हेल्प ना भी कर पाएँ, स्टिल गिव देम अ चांस एंड यू कैन ऑलवेज फिक्स इट आफ्टरवर्ड्स। जैसे कि मैं दोबारा ग्लू कर रही हूँ आफ्टर माई लिटल वन हैड अ गो। अब मैं इस कलर्ड पेपर को बॉक्स के अंदर की तरफ से कवर कर रही हूँ वाइल कवरिंग द बैक एंड द बेस। ये जो कार्डबोर्ड का पीस हमने बेस में डाला था, इसे भी निकाल कर पेपर से कवर करके वापस डाल दें। इसी तरह से मैंने चारों बॉक्सेस को डिफरेंट कलर के पेपर से कवर कर दिया है। अब सभी बॉक्सेस की फ्रंट की तीन साइड्स को मैं इस एडहेसिव वाइनल से कवर कर रही हूँ। एडहेसिव वाइनल को यूज़ करना बहुत ही इजी है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। मेरे सारे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं और अब हम इस बॉक्स को असेंबल कर लेते हैं। बॉक्स के पार्टीशन के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड के पीसेस बॉक्स की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग काट कर गोल्डन एडहेसिव वाइनल से कवर कर दिए हैं।
उनमें से एक, दो या सारे बॉक्सेस के अंदर पार्टीशन भी कर सकते हैं। अब इन डिवाइडर्स को ग्लू गन की हेल्प से चिपका दें। इस बॉक्स को मैं कई तरह से असेंबल कर सकती हूँ, चाहे तो सिर्फ दो बॉक्सेस ही रखें और ऊपर से इसे खाली छोड़ दें, या फिर ऊपर तीन या चार डिवाइडर्स बना सकते हैं। इसकी साइड्स में भी बॉक्सेस लगाकर पेन या पेंसिल के लिए स्टैंड बना सकते हैं। बेसिकली यू कैन प्ले विद द बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। मेरा ये बॉक्स बनकर तैयार है एंड ट्रस्ट मी, आई हैड लॉट्स ऑफ फन व्हाइल मेकिंग दिस। इस बॉक्स को एज अ डेस्क ऑर्गेनाइजर, एज मेकअप ऑर्गेनाइजर और भी कई डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इस बॉक्स को ऐसे ही बिना असेंबल किए एज अ ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। डिवाइडर्स के बिना या डिवाइडर्स के साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें ड्रॉअर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोदिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑर्गेनाइज चिल्ड्रंस टॉयज। मोस्टली बहुत सारे स्मॉल पीसीज वाले टॉयज को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ मैंने इस ऑर्गेनाइजर की हेल्प से इन सारे स्मॉल पीसीज वाले टॉयज को इस ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज किया है। अब बच्चों को जिस भी टॉय से खेलना हो वो पूरा बॉक्स ईजिली उठाकर खेल सकते हैं, एंड वंस दे आर फिनिश्ड इट्स ईजी टू पुट देम बैक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग।